नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। दर्शकों, आज दिन रविवार है। आमतौर पर इस दिन सड़कें खाली खाली नजर आती हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की सड़कें अपनी क्षमता से भी ज्यादा भरी हुई हैं। कोई 100 मीटर या 500 मीटर का जाम नहीं है, बल्कि किसानों ने आज सड़कों पर क्रांति के डामर से सियासत को गर्मा दिया है। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर मुजफ्फरनगर तक आज सड़कों पर धूल, मिट्टी, गिट्टी, डिवाइडर, पत्ते या कूड़े के छत्ते नजर नहीं आ रहे, बल्कि हरी पीली टोपियां, सफेद कुर्ता और हरे पीले झंडे दिखाई दे रहे हैं। हवाओं में सरसराहट नहीं, बल्कि किसान मोर्चा जिंदाबाद के नारे हैं, जिसकी आहट राजनीतिक गलियारों में घबराहट पैदा कर सकती है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह शोर लखनऊ में ठहरी शांति का कारण है। तो इस पूरी महापंचायत से सियासत में क्या कुछ खेला हो सकता है, समझते हैं इन सवालों के जरिए। तो आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो सवाल यहां पर उठता है महापंचायत पर, जो सवाल लाजमी है, वो ये है कि महापंचायत की आड़ में राकेश टिकैत का शक्ति प्रदर्शन है ये, क्योंकि एक भारी संख्या में अब राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर। अगला सवाल, महापंचायत के पीछे का आखिर असली चेहरा कौन है, क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया है, लाखों की संख्या में भीड़ जुटाई गई है। तो सिर्फ राकेश टिकैत हैं या फिर इनके पीछे और कोई बड़ा हाथ भी है, बिहाइंड द सीन कौन है, यह सवाल लाजमी है। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं देंगे, यह भी एक सवाल है कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। राकेश टिकैत क्या आंदोलन की आड़ में केजरीवाल बनना चाहते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो यह सवाल लाजमी है। जयंत चौधरी को प्रशासन की इजाजत नहीं मिली या राकेश टिकैत की, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि पुष्प वर्षा करना चाहते थे लेकिन प्रशासन ने उनको इजाजत नहीं दी। आज से 6 महीने पहले की बात करें तो जयंत चौधरी खुद कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन आज इस तरीके की बहानेबाजी बताती है कि कहीं ना कहीं इसमें राकेश टिकैत ने पूरा टेक ओवर कर लिया है। तो एंटी मोदी लॉबी का बैकअप तो नहीं है, यह भी एक सवाल उठता है, जो कि सवाल लाजमी भी है। महापंचायत पर उठते ये सवाल आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़े आंदोलन को एक महापंचायत की आज शक्ल दे दी गई। 10 महीने से जो आंदोलन चला आ रहा था, आज महापंचायत की गई है, और महापंचायत की आड़ में ये राकेश टिकैत का शक्ति प्रदर्शन है या नहीं, ये महापंचायत पर सवाल लाजमी है। बाकी हमारे सहयोगी लगातार किसान महापंचायत को कवर कर रहे हैं, वो मौके पर मौजूद हैं। आइए अब उनका रुख कर लेते हैं कि वो क्या कुछ बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में आज महापंचायत में लाखों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी के तमाम किसान आज यहां मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में पहुंचे हैं, और संयुक्त मोर्चे द्वारा आज एक अहम फैसला लिया जाना है। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में किसान मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं, और आज एक अहम फैसला लिया जाएगा। कुछ किसान भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आज आखिर किस तरह का फैसला लिया जाएगा। हाँ जी, किस तरह का आज फैसला लिया जा रहा है और कितनी भीड़ लगभग होगी? देखो जी, फैसला तो लिया जा रहा है बहुत बढ़िया, और भीड़ का अंदाजा तो मीडिया वाला ही बता सकते हैं, कोई अंदाजा नहीं है। तो जिस तरह से सरकार अपने फैसले पर अपना जो किसान कृषि कानून बिल है उसको वापस नहीं ले रही है, तो आज उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वापिस तो सरकार को लेना पड़ेगा, जब तक सरकार तीनों कानून वापिस नहीं लेगी, जब तक हम वापिस नहीं हटेंगे, मरने मिटने के लिए तैयार हैं। ये किसान कौम है, ये आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी थी, और ये अन्नदाता के लिए जो अत्याचार हो इसकी लड़ाई लड़ रही है, मजदूर और आम पब्लिक की भी लड़ाई लड़ रही है।
आज जो किसान आए हैं, किस किस राज्य से किसान आए हैं? लगभग सभी राज्यों से किसान आए हैं। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो क्या पहले इतनी बड़ी पंचायत तो किसानों की देखने को मिली है? नहीं मिली इतनी बड़ी पंचायत, कभी नहीं देखी। बहुत बड़ी पंचायत है, बहुत बड़ी पंचायत है पूरे शहर माध्यम। आज किसानों की एक ऐसी पंचायत मुजफ्फरनगर के अंदर चल रही है जो इससे पहले मुजफ्फरनगर क्या पूरी यूपी में किसानों की इससे बड़ी पंचायत नहीं हो पाई है। महापंचायत के जरिए एक बार फिर किसानों ने सुस्त पड़े आंदोलन में जान फूंक दी है। देश के दर्जन भर राज्यों से मुजफ्फरनगर कूच कर रहे किसानों ने महापंचायत के जरिए एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। महापंचायत में किसानों की भारी संख्या यूपी के चुनावों में सीधा असर डाल सकती है। किसानों ने कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी है। कृषि कानूनों के खिलाफ ये किसानों की ऐतिहासिक लड़ाई। मुजफ्फरनगर के जीआईसी कॉलेज के मैदान में क्षमता के सारे बंधन टूट चुके हैं। सड़कों पर भी झंडे बैनर लिए किसान नजर आ रहे हैं। किसानों के चेहरों पर जोश है तो जुबा पर सरकार के खिलाफ तलखी। उनकी बस एक ही कोशिश है कि महापंचायत के जरिए एक ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने में विवश हो जाए। किसान नेता मंच से सरकार को ललकार रहे हैं और अपनी ताकत दिखाते हुए सरकार को झुकाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। आंदोलित किसानों की प्रमुख मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, एमएसपी पर कानून बनाए जाए और 2020 बिजली संशोधन बिल को भी वापस लिया जाए। लेकिन सरकार का रुख पहले से तय है। सरकार का कहना है कि वो कृषि कानूनों में संशोधन करने को तैयार है और एमएसपी यूं बरकरार रहेगी। सरकार और किसानों के बीच इसी रार को मिटाने के लिए किसानों ने अब कमर कस ली है। महापंचायत के जरिए सत्ता में बैठी बीजेपी के सियासी समीकरणों को बिगाड़ने की किसान नेताओं की पूरी कोशिश है। दिल्ली की सीमाओं पर 10 महीने से ऊपर का समय बिताने के बाद अब किसान पश्चिमी यूपी के जरिए 2022 के विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने की तैयारी में है और इसका केंद्र बना है मुजफ्फरनगर। यहां 60,000 की क्षमता वाले जीआईसी मैदान में 10 लाख लोगों के इकट्ठा होने का दावा किया गया है। अगर दावा सही साबित होता है तो ये एक रिकॉर्ड कायम होगा। बाकी मुजफ्फरनगर के इस मैदान में लंगर सज चुके हैं, नेता मंच से भाषण दे रहे हैं, किसान उनको सुन रहे हैं और अभी भी किसानों के आने का सिलसिला जारी है। 5 सितंबर आज मुजफ्फरनगर के लिए ऐतिहासिक दिन है और वहीं बता दें आपको इसी 5 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत का आयोजन किया है जिसमें कई राज्यों से काफी लोग पहुंचे हैं। वहीं बता दें आपको कल शाम ही यहां पर 20,000 से ज़्यादा लोग पहुंचे थे और वहीं अब लाखों की तादाद में कई राज्यों से लोग पहुंचे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में इस महापंचायत का आयोजन किया गया है। कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं तमाम दृश्य हैं। स्टेज पर जो स्थिति है यहां पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश टिकैत कहें या फिर तमाम
बड़े किसान मोर्चा के, संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता सब मौजूद हैं और वहीं सरकार को अपने निशाने पर लेते नजर आ रहे हैं। वहीं देखेंगे तो शुरू में खुद योगेंद्र यादव मंच पर बैठे हैं और वहीं बता दें आपको ये किसान महापंचायत का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है, जिसमें 40 से भी ज़्यादा संगठन यहाँ पर इन्वॉल्व हैं और वहीं यहाँ पर ये 40 से ज़्यादा जो संगठन हैं एक बार फिर कहीं से कहीं एक बार फिर से मिशन यूपी का भी आगाज करते नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में कहूँगा कैमरा में से दिखाएं किस तरह से यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं और तमाम जो दूर दराज से किसान आए हुए हैं किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा है और वहीं तमाम खापों से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और वहीं देखेंगे तो शुरू में किस तरह से यहाँ पर तमाम जो सिख समुदाय के लोग हों या अन्य समुदाय के लोग हों भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और वहीं अब सरकार को अपने निशाने पर लेते नजर आ रहे हैं। वहीं बता दें आपको ये नाराजगी सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर है, जो किसान लगातार किसान संयुक्त किसान मोर्चा लगातार इन तमाम नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहा है, जिसके चलते आज यहां पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया है जहां पर लाखों लोग जुटे हैं। अपने सहयोगी अनीस के साथ तस्लीम राणा, न्यूज़ ऑल इंडिया, मुजफ्फरनगर। महावीर चौक पर स्थित है, मुजफ्फरनगर का महावीर चौक है ये, और यहाँ लाखों किसान ग्राउंड से बाहर है और लाखों की संख्या किसानों की ग्राउंड के अंदर है। ग्राउंड इस कदर छोटा पड़ गया है कि किसान पूरे मुजफ्फरनगर में फैला हुआ है। कुछ किसान महावीर चौक पर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि कितना किसान इस महापंचायत में पहुंचा है और किस तरह के निर्णय इस महापंचायत में लिए जा रहे हैं। देखिए, मेरा नाम चांदवीर है, मेरा ग्राम रहमतपुर ब्लॉक मोहना जनपद मुजफ्फरनगर से हूँ। किसानों ने पहली बार मोदी को वोट दिया था और अब किसान इस बात से दुखी है कि हर चीज का रेट बढ़ा दिया गया है। किसान की आस्था बीजेपी सरकार से हट चुकी है। वो कहा किसी ने कि इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। अब किसानों की, छत्तीस बिरादरी की आस्था मोदी सरकार से उठ चुकी है। अब किसान परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है, तेल के भाव बहुत ऊँचे बढ़े हुए हैं, 5 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है, नौजवान को रोजगार नहीं मिला है। वो कहा किसी ने कि दर्द को ना देखिए दर्द से, दर्द को भी दर्द होता है, दर्द को देखिए प्यार से, दर्द में प्यार ही हमदर्द होता है। 5 सितंबर की तारीख 6 माह बाद होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में क्या कुछ असर डालेंगे, ये तो भविष्य में ही तय हो सकेगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि महापंचायत के जरिए सुस्त पड़ चुके किसान आंदोलन में एक बार फिर से जान पड़ गई है। और राकेश टिकैत ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर ये बात तो साबित कर दी है कि वो ऐसे ही हार मानने वाले नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।